दोस्तों, ये लड़का अपनी शॉप बंद करके जैसे ही अपने घर के पास पहुंचता है, दो अलग अलग बाइक पर चार कम उम्र डकैत इसके घर के पास आ जाते हैं। आप देखें किस तरह से ये चार डकैत आते हैं और इस लड़के से दिन भर की कमाई जो इस लड़के ने अपनी दुकान से कमाया था तकरीबन 75,000 रुपए और इसके जेब से मोबाइल फोन वगैरह लेकर ये चार कम उम्र डकैत बासानी फरार हो जाते हैं। सुबह 5 बजे का वक्त है, आप देखें किस तरह से ये वारदात होती है। दूसरे कैमरे से आपको दिखा ता हूं। आप देखिए, लड़का जैसे ही यहां पर आके अपने घर के पास पहुंचा है, पीछे से ये दो अलग अलग बाइक पर चार कम उम्र डकैत आए। आपको बताऊं, ये कराची का इलाका, नॉर्थ कराची 582 खुर्शीद बेगम पार्क के करीब ये वारदात हुई है। आज से तकरीबन 4 दिन पहले ये वारदात हुई है। आप देखें, सुबह 5 बजे ये लड़का अपनी शॉप बंद करके जैसे ही अपने घर के पास आता है, अपने घर के पास खड़े होकर बाइक की हॉर्न बजाता है कि घर के दरवाजा खुले, इतने ही में ये पीछे से दो अलग अलग बाइक पर चार डकैत आ जाते हैं और इस लड़के के घर के सामने इसको लूट लिया जाता है। किस तरह से ये कम उम्र डकैत कराची में दंदनाते फिर रहे हैं, डकैतों के हाथ में आप सामान देख सकते हैं, किस तरह से ये डकैत खुले आम वारदात कर रहे हैं सुबह 5 बजे के वक्त, किस तरह से ये कराची की गलियों में इस उम्र के लड़के सामान लिए फिर रहे हैं। कोई इनको रोकने वाला नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। आप तमाम कराची वालों से गुजारिश है कि इन डकैतों की पहचान के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप कराची में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा होशियार रहें, बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सीसीटीवी व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की न्यू आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप पूरे कराची के हालात से बाखबर रह सकते हैं।